आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं, जो बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती हैं, उनके साथ में सहायिका भी हैं। यहाँ सहायिकाओं ने भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ इकट्ठा होकर आई हैं अपने वर्करों के साथ में। आइए इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या समस्याएं। मैडम आपका नाम? दुर्गा राठौड़। दुर्गा राठौड़। राठौड़, हाँ। दुर्गा राठौड़ जी, आप क्यों आई हो यहाँ? हमारी समस्याओं को लेकर हम आए हैं यहाँ। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारे सहायिका उनसे काम लेते पर हमारा कोई मान्यता कोई नहीं करता है। कौन लेता है आपसे काम? है आपकी आंगनवाड़ी वर्कर? नहीं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर नहीं लेते हैं। जो ये मोदी सरकार है यही ले रहे ना हमारे से काम, पर हमको कुछ मिल नहीं रहा। नहीं, हमको 1200 रुपए वेतन मिल रहा ना, अभी 2500 रुपए वेतन मिला था। ये समय में हमारे क्या होएगा? हमारे बच्चे उनको कैसे क्या करेंगे? क्या मतलब ऐसे काम करने से? राठौड़ी, जब आपको रखा गया था तो उसमें तो एक समाज सेविका के रूप में रखा गया था, पैसे की बात कहाँ आती है? नहीं, सेवा शिकर से रखा गया था हमको, ऐसे थोड़ी रखा गया था हमको भाई कि हमारी वेतन बढ़ेगी। हमको सरकारी घोषित करो या आंगनवाड़ी से सहायिका से कार्यकर्ता खड़ी करो, या कार्यकर्ता हमारी हटे उसकी उम्र के बाद में, तो हमको दो उनका पद। तो हमको मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण हम ये चाहते हैं, और सरकारी घोषित करो और हमारी मान्यता को पूरी करो, तनख्वाह हमारी बढ़ाओ। हमारे को 2500 में नहीं पूर्ति हो रही।